नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए वैकेंसी के बारे में जो जारी हो रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के द्वारा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और पास में जो घंटे का निशान बना हुआ उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ये जो वैकेंसी, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है जिसमें सबसे पहले बात की जाए तो ग्रेड नर्स की पोस्टें हैं जिसमें टोटल 70 पोस्टें हैं, और पे स्केल है वो रहेगा लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 तक। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम यानी बायोसी होनी चाहिए यानी बायोलॉजी से। और आगे बात की जाए तो 4 ईयर्स का जो BSc नर्सिंग का या GNM का जो डिप्लोमा होता है वो किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट है IABP टेक्नीशियन की पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं जिसमें लेवल 4 पेमेंट रहेगा यानी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। 12वीं पास होनी चाहिए मेडिकल स्ट्रीम से, साथ में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी या कार्डियोलॉजी के अंदर, और रिलेवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा हॉट अटैक और जूनियर कैथ लैब की एक एक पोस्ट है, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन की बात की जाए तो अप्लीकेशन फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे, वो आपको डाउनलोड करना है, और उसके साथ जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज हैं डॉक्यूमेंट्स की वो लगानी है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ की, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट की, 10+2 विद साइंस मेडिकल स्ट्रीम की जो मार्कशीट है वो, डिप्लोमा या डिग्री की मार्क्स जो सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो कॉपी, साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ SR नंबर, ये 2, 3 और 4 के अनुसार आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो बात करते हैं, आपका जो पे लेवल है या सैलरी रहेगी वो रहेगी, जो इनका पे स्केल का नियम बना था अकॉर्डेंस विद SRO नंबर 24/2019 जो 1/10/2019 से लागू है उसके अनुसार मिलेगी। आगे बात करते हैं इसकी जो अग्रीमेंट है या इसकी जो डेट है, कितनी आयु तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आयु की जो गणना है वो 1/1/2019 को आधार मान के की जाएगी, जिसमें 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और अबो की बात की जाए या मैक्सिमम आयु की बात की जाए तो 40 साल ओपन मेरिट के अंदर होगी, 63 साल अगर सर्विस से रिटायरमेंट है तो उसके लिए है, और स्पेशल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 43 साल रहने वाली है। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो स्लिप है फीस की, वो आप इसके ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस है वो आपको 100 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, और उसके लिए ये जो क्रेडिट है अकाउंट नंबर है इसके अंदर आपको जमा करवाने पड़ेंगे, और जमा करवाने के बाद जो उसकी स्लिप देगी बैंक चालान की, तो वो आप 4/5/2019 तक आपको वहाँ पर भेजनी पड़ेगी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर। और अगर ज़्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट तो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको किसी प्रकार का TA DA वो दे नहीं होगा, और जो पोस्टों की संख्या वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है, उसका अधिकार कॉलेज के अंदर निहित है। अब आगे बात करते हैं इसकी अप्लीकेशन फॉर्मेट की, अप्लीकेशन फॉर्मेट बना जिसमें एडवर्टाइज नंबर है, डेट जो पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस विलेज या जो प्रेजेंट एड्रेस है, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर फोटो लगेगी। आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपकी मार्कशीट है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी जो मार्कशीट लगा रहे हैं उसकी नाम लिखना है, और आगे जितने नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं प्राप्त किए उनकी नंबर लिखने हैं। यह है बैंक का चालान, ये बैंक का चालान आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट की लिंक आपको मैं दे दूँगा। तो इसको पूर्ण रूप से फिलअप करके जो अकाउंट नंबर ऊपर बताए थे वो उस अकाउंट नंबर में आपको 100 रुपये की फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, और इसकी जो स्लिप है वो फॉर्म के साथ आपको लगा के भेजनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।